ब्लू पायरेट्स है और आज हम बात करने वाले हैं एरो के सभी सीजन्स के फ्लैशबैक के रिकैप के बारे में। मैं एक्चुअली एरो के सभी सीजन्स के रिकैप करने वाला था, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है विद एरो, क्योंकि एरो के सीजन्स में बीच बीच में 5 ईयर्स के पिछले फ्लैशबैक्स को भी दिखाया जाता है और वीडियो बनाने के टाइम इसमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक डिफरेंट वीडियो बना दूं, तो एक स्पेशल एपिसोड एरो के सभी सीजन्स के रिकैप के साथ। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। क्वीन गैम्बिट जब डूबा तब ओलिवर के फादर रॉबर्ट क्वीन, ओलिवर क्वीन और एक क्रू मेंबर रेस्क्यू बोट में बच गए, पर सारा लैंस डूब गई। वेल, रोने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट सीजन में वापस आ जाएगी। अब रेस्क्यू बोट पे 3 लोग थे, फूड और वाटर बहुत ही कम था, इसलिए रॉबर्ट ने क्रू मेंबर को गोली मारी और खुद सुसाइड कर लिया। अब मरने से पहले रॉबर्ट ने ओलिवर को एक डायरी दी जिसमें सभी क्रिमिनल्स की लिस्ट है और ओलिवर को इस लिस्ट को फॉलो करना है और सभी मेंबर्स को खत्म करना है। ओलिवर 2 दिन के बाद चाइना सी के पास एक आइलैंड ली एंड यू पहुंचते हैं जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दर्द देना। वहाँ उनकी मुलाकात याओ फेई से होती है जो एक एक्स मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस कमांडर हैं। उनकी मुलाकात काफी अच्छी नहीं थी, पर अब कोई बात नहीं चलेगा। याओ फेई ने ओलिवर को सर्वाइव करना सिखाया और दूसरी टेक्निक्स के बारे में समझाया। वहाँ पे एक टेररिस्ट कैंप चल रहा था जो एक बोइंग प्लेन को उड़ाकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना के नाम करने वाले थे, इसीलिए वो लोग याओ फेई को ढूंढ रहे थे। याओ फेई ने सरेंडर किया और ओलिवर की फेक डेथ करवाई, जिसके बाद उसने ओलिवर को स्लेड विल्सन एके डेथ स्ट्रोक के पास भेजा। ओलिवर ने डेथ स्ट्रोक के पास से क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली। याओ फेई की बेटी शैडो ने ओलिवर को आर्चरी सिखाई और उन दोनों के रिलेशन भी बहुत ही अच्छे थे। मतलब कुछ भी बोलो यार, बंदा जंगल में भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेता है। अपना काम खत्म होने पे याओ फेई को मिलिटेंट्स मार देते हैं और फिर ओलिवर, शैडो और डेथस्ट्रोक मिलके सभी मिलिटेंट्स को खत्म करते हैं और वापस घर जाने के लिए रेडियो सिग्नल्स की राह देखते हैं। पर कुछ टाइम के बाद आइलैंड पे कुछ लोग देखने मिलते हैं जो किसी चीज की तलाश में थे। उन्होंने आइलैंड पे बमबारी शुरू की और उसके बाद उन्होंने ओलिवर को पकड़ लिया। तब जेल में ओलिवर की मुलाकात एनाटोली से हुई जो रशियन माफिया ब्रातवा से बिलोंग करता है। गुड न्यूज ये थी कि सारा लैंस अभी भी जिंदा है और वो एंथनी इवो के साथ काम कर रही है। एंथनी इवो सुपर सोल्जर सीरम की तलाश में है जिसे मेरकुरु कहते हैं। इसे लेने से आपकी बॉडी एकदम स्टील बन जाती है और रेड कलर के आंसू निकलने लगते हैं। क्लेड रेजिस्टेंस फेस करने में हाईली इंजर्ड हो गया, इसलिए ओलिवर और सारा ने उसे मेरकुरु दे दिया जिसके बाद उसकी बॉडी स्टील की बन गई। एंथनी ओलिवर को शैडो और सारा के बीच में चॉइस देता है और कुछ डिसीजन ओलिवर ले उससे पहले शैडो को मार देता है। एक्चुअली ओलिवर का डिसीजन ही सारा ही थी, पर बहुत ही बुरा हुआ। मैं आपको बता दूं कि शैडो के लिए स्लेड के दिल में भी बहुत ही लड्डू फूट रहे थे, इसीलिए स्लेड शैडो की डेथ से बहुत ही दुखी था। स्लेड, ओलिवर और सारा शैडो की डेथ का बदला लेने के लिए और वापस घर जाने के लिए एंथनी के शिप पे अटैक करते हैं। स्लेड एंथनी को मारने ही वाला होता है कि एंथनी उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे बता देता है कि ये ओलिवर की मिस्टेक है, जिसके बाद स्लेड का सारा गुस्सा ओलिवर पे आ जाता है। पावर्स के साथ स्लेड एंथनी के शिप पर कब्जा करता है और फिर क्रू को अपने अंडर में ले लेता है, जिसके बाद वो ओलिवर को बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू करता है। एट द एंड ओलिवर अपने कॉम्बैट गुरु स्लेड विल्सन को हराता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। सारा उसी टाइम वापस मर जाती है, कोई बात नहीं वापस आएगी। आर्गस जो डीसी की एक सीक्रेट एजेंसी है, वो ओलिवर को लियानयू से निकालकर बैंकॉक ले आती है। आर्गस की चीफ अमांडा वॉलर का प्लान था कि वो ओलिवर को अपने कामों के लिए यूज कर सके। वैसे भी ओलिवर ऑफिशियली डेड है, तो अगर वो मर जाते हैं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ओलिवर लोगों को टॉर्चर करने में बेस्ट है, इसीलिए चीफ अमांडा वॉलर ने उसे हांगकांग में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स और केमिकल बॉम्बिंग को रोकने का काम दिया और ओलिवर ने ये काम परफेक्टली किया। इसके साथ ओलिवर की मुलाकात मशियो यामाशिरो से हुई जो उस टाइम आर्गस में एजेंट था और फिर उसने लीग ऑफ असासिन ज्वाइन की थी। इसकी वाइफ को शायद आप जानते होंगे कटाना के नाम से। इसने भी ओलिवर को मेडिटेशन सिखाया जो उसकी हार्ड लाइफ में उसे बहुत ही काम आया। जिसके बाद अमांडा ने उसे एक और सीक्रेट मिशन पे भेजा जिसमें लियानयू में रिसेंटली आए ड्रग लॉर्ड्स के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी। ओलिवर ड्रग लॉर्ड्स के साथ रहता है और अपना मिशन शुरू करता है। तभी उसकी मुलाकात टाइना विंटी डिक्टो से होती है जो ड्रग लॉर्ड की प्रिजनर थी। ओलिवर ने उसके भाई की जान ली और उसकी जान बचाई, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर आइलैंड से बाहर निकलने का प्लान बनाया था। और तभी एंट्री हुई डीसी के तांत्रिक बाबा जॉन कॉन्स्टेंटीन की। वो ओलिवर को एक गुफा में ले गया, मतलब वो वाली गुफा नहीं पर तांत्रिकों वाली गुफा। वहाँ पे ओलिवर को पहली बार डार्क पावर्स और मैजिक के बारे में पता चला, पर वहाँ का ड्रग लॉर्ड ब्रायन और रिटायर उसी डार्क मैजिक के पीछे था।
और उसी डार्क मैजिक तक ओलिवर उसे ले गया। फिर रिटायर ने पावर्स का यूज करना शुरू कर दिया। ओलिवर ने कैसे भी करके इस पावर आइडल को वहां से लिया और इस रशियन बंदी को दे दिया। डार्क मैजिक का इफेक्ट हुआ इसलिए ओलिवर को इस रशियन बंदी को मारना पड़ा, पर मारने से पहले ओलिवर ने उसे प्रॉमिस किया कि वो रशिया में जाकर सभी ड्रग लॉर्ड्स को खत्म कर देगा। मिशन खत्म होने के बाद ओलिवर आर्गस की हेल्प से रशिया जाता है और गेस व्हाट, सीजन 2 में आइलैंड में मिले फ्रेंड एनाटोली से ओलिवर की दोबारा मुलाकात होती है। वो उसे रशियन माफिया ब्रातवा ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है। बहुत ही टफ एग्जाम्स और टेस्ट के बाद ओलिवर ब्रातवा में कैप्टन बनता है, जो बहुत ही बड़ा रैंक है रशियन माफिया में। ब्रातवा के सारे दुश्मन और सभी ड्रग लॉर्ड्स को खत्म करके फिर ओलिवर वहीं से अपना विजिलेंटी करियर शुरू करता है और रेश अल गुल की बेटी टालिया अल गुल के पास स्वॉर्ड फाइट की ट्रेनिंग लेता है। घर जाने के टाइम ज्यादा हिसाब ना देना पड़े इसीलिए ओलिवर ली एंड यू जाता है और पब्लिकली ये डिक्लेयर करता है कि वो 5 साल इस आइलैंड ली एंड यू में था, पर हम जानते हैं कि 5 सालों में क्या हुआ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के वीडियो आप देखना चाहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।